हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं वेज मसाला खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाना इजी है और खाने में तो आप पूछिए ही मत कि कितना गजब का लगता है, कितना टेस्टी लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं वेज मसाला खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बड़े साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं और दो स्प्रिंग अनियन मैंने काट के रख लिया है। और आप चाहें तो इसकी जगह पे प्याज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इंच अदरक, दो से तीन हरी मिर्च और एक कटोरी फूल गोभी काट के रख लिया है मैंने इन सबको। और डेढ़ कटोरी मेरे पास यहाँ हरी मटर है फ्रेंड्स, तो ये मैंने रख लिया है। और दो मीडियम साइज के आलू को मैंने ऐसे मोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, हींग है यहाँ पे, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची और एक टेबल स्पून जीरा ले लिया है तड़का लगाने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो कटोरी चावल ले लिया है और हाफ कटोरी काली वाली उड़द की दाल है, ये नए वाले चावल हैं। तो अगर आप नए चावल की खिचड़ी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो एक बार आप नए चावल की खिचड़ी ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अगर आपके पास नए चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चावल जो घर में है आप उसकी भी खिचड़ी बनाइए, वो भी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर गरम हो गया है। अब हम इसमें एक कलछी मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, तेल गरम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची मिला देंगे, इसको अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे और गैस को धीमा कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अदरक और कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे, हींग डाल देंगे, कटे हुए स्प्रिंग अनियन और इन सबको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये दाल और चावल, इनको मैं अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, एक टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। सब्जियों को एक साथ हम पकने देंगे धीमी आंच पर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सब्जियों को थोड़ी देर ऐसे भून लेंगे फ्रेंड्स, और इसको ढक देते हैं थोड़ी देर को। फ्रेंड्स, चावल और दाल को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और इधर हमारी सब्जियां भी भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। चावल मैंने इसमें डाल दिया है। अब सब्जियों और चावल को थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे सबको एक साथ भूनेंगे फ्रेंड्स। फिर इसमें पानी, एक लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ये पतली बनती है तो इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। इसको बंद कर देते हैं और 5 सीटियाँ लगवा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स, 5 सीटियाँ मैंने लगवा दी हैं और 5 सीटियाँ लगवाने के बाद मैंने 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था ताकि ये अपने आप ही सीटी खुले। बंद हो गई हैं, अब आइए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कितनी अच्छी खिचड़ी बनी हुई है ना, देखने में अच्छी लग रही है ना। ये ना, ये खिचड़ी मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें से ऊपर से धनिया मिला देंगे, इसमें ऊपर से देसी घी मिला देंगे। और फ्रेंड्स, एक बार आप ये वेज मसाला खिचड़ी ज़रूर बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा लजीज बना हुआ है। तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ये वेज मसाला खिचड़ी बना के खाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।